स्मेल आउट से मैन बिटकॉइन वाला है, इन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड कर रखी थी। कितना रुपए डुबा गया जाना? और सिर्फ इसमें 30 लाख रुपए का बता रहे हैं। मेरे पिटीशनर के अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चल रही है, 1 साल 10 महीने से बंद है, 420 का ऑफेंस है और 437(6) में भी इनको जमानत की पात्रता हो गई। ही हैज बीन अरेस्टेड माय लॉर्ड 31/8/2021, 1 साल 10 महीने से ज़्यादा हो गया। लॉर्ड सर, मेरा इसमें ये कहना है कि मेन तो यही है, क्योंकि जो पैसों का जो है लेन देन का करने का ये इन्हीं का था। इन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड कर रखी थी MS-74 मल्टी ट्रेड एंटरप्राइजेस के नाम से। कितना रुपये डुबा गया जाना? लॉर्ड सर, इसमें 30 लाख रुपये का बता रहे हैं। जो इसमें फरियादी पूजा दुबे है, इनका हस्बैंड था गणेश, तो वो क्या है ना, इनसे मुलाकात हुई और इनके साथ में करता रहता था सब कुछ काम। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करिएगा, सब कुछ करेंगे। और इसके अदरवाइज 3 और एक्यूज थे, प्रमोद और अमित जैन, और भी कंपनियों में ये फ्रॉड करके पैसे लगा देते। इसमें लॉर्ड सर मैन बिटकॉइन वाला है। कृपया केस देखें, आपने जो आर्ग्यूमेंट किया है, ऑब्जेक्शन किया है, वो सही नहीं। पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी खुद की ये है कि इस केस की कंप्लेनेंट पूजा दुबे ने एक लिखित रिपोर्ट दी। उसका ये कहना था कि उसके पति गिरीश दुबे कोई प्राइवेट काम करते थे। ये पिटिशनर एक कंपनी में नौकरी करता था, कोई एक्यूज भी नौकरी राजीनामा कर लो, ले देंगे राजीनामा कर लो, कुछ तो हुआ है ना भाई। सर, हमारे द्वारा तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट देख ले आप, आई विल कन्विंस दिस ऑन रिपोर्ट दैट वाट एवर हैज बीन ऑब्जेक्टेड इट इज नॉट करेक्ट। सब कैंडी सी दी एफआईआर पे मेरा केस बेस करता है, इनका केस। सर, मेरा नाम हेमंत यादव है। हेमंत तो अभी तो आए वकील पति के पास। सर, मैं हेमंत यादव ने इस पिटिशनर से कहा कि एक हम जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ उसमें नौकरी कर लो। इन्हें नौकरी की, कंप्लेनेंट के पति ने ग्राहकों को लाए, कंप्लेनेंट के पति ने कंपनी में पैसा जमा कराया, इनके पति की डेथ हो गई, जब ग्राहक लोग तंग करने लगे तो इन्होंने कंपनी की जगह पिटिशनर के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। इस केस की सबसे बड़ी बात यह है माय लॉर्ड, इस कंपनी ने किया है गड़बड़, तो कंपनी को ना तो इन्हें पार्टी बनाया, ना कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर बनाया। और आपका जो अभी ऑब्जेक्शन था, ये सही नहीं है कि ये कंपनी इनकी थी, ही वॉज एम्प्लॉई देयर ओनली, कपल्ड विद द फैक्ट कि ये पैसे तो उसके पति ने जमा कराए डिजीज के। और जब ग्राहक लोग तंग करने लगे उसे, तो उसने कंपनी की जगह इस पिटिशनर के खिलाफ को एक के खिलाफ रिपोर्ट कर दी, जो कि इस कंपनी में कुछ है नहीं। और जिन लोगों ने पैसा जमा किया उनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ था। FIR देखें सर, मैं मालिक वाकई नहीं हूँ, क्योंकि इनका खुद का FIR में कहना है कि मैं मालिक नहीं हूँ, और इन्होंने कंपनी को फिर भी पार्टी। आपने तो इंट्रोड्यूस कराया उनको, you persuaded him to invest? No, I submit that मैंने इनको persuade नहीं किया, persuade नहीं किया कि जमा करें। Settle कर लो, settle मामला। I pray that can you keep it for tomorrow? कोई accused की भी लगी सर। Tomorrow करना? Tomorrow करना।